नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आया हूँ सुबह सुबह एक कंप्लेन पर। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ग्लैमर है, यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये ग्लैमर बाइक है और बाइक जो है अभी 28,800 कुछ किलोमीटर चल चुकी है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, देखिए जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और गियर डालते हैं तो ये बिल्कुल भी आगे नहीं चल रही। तो मैं अभी सुबह सुबह जो हूँ यहाँ पर आया हूँ और अभी जो टाइम हुआ है 9:10। तो यहाँ पर देखिए मैं इधर से इस बाइक को लेकर आया हूँ, तो ये जो काफी टाइम से खड़ी थी, आप देख सकते हैं बाइक की कंडीशन। यहाँ पर देखिए बाइक की आप हालत देख सकते हैं, ये काफी समय से जो है खड़ी थी। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, जब बाइक को हम स्टार्ट करते हैं गियर डालते हैं तो ये आगे 1 इंच भी नहीं जो है चलती है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बाइक को चला के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हम ग्लैमर बाइक की क्लच प्लेट को चेंज करते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और नॉलेजफुल वाला भी, सो प्लीज़ अभी से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी बाइक की क्लच प्लेट को चेंज करते हैं तो सबसे पहले आपने जो है इसके इंजन ऑयल को निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर से इंजन ऑयल कितना कम निकला है। तो यहाँ पर चलिए हम दोस्तों जल्दी से इसके क्लच कवर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जब भी आप इसके क्लच कवर को ओपन करें आपने इसके किक को यहाँ से रिमूव कर लेना है और जो इसका साइलेंसर होता है उसको भी यहाँ से उतार लेना है। इसके बाद जो यहाँ पर ये फुटरेस्ट लगा होता है इसमें जो है यहाँ पर 17 mm के 2 बोल्ट लगे होते हैं, तो उनको आपने जो है यहाँ से रिमूव कर लेना है ताकि यहाँ पर जो है जब हम क्लच कवर को ओपन करें तो ये इसमें ना फंसे। इसके बाद इसमें जो लगे होते हैं 8 mm के बोल्ट उनको आपने जो है यहाँ से इसको खोल लेना है। दोस्तों जब आप इसके कवर को ओपन करें तो यहाँ पर आपने जो है प्लास्टिक हैमर के द्वारा इसके ऊपर कुछ हीट कर लेना है ताकि यहाँ से जो है इसके पैकिंग ना फटे। तो दोस्तों ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि 95% ऐसा होता है कि इसका पैकिंग यहाँ से जो है नहीं फटता है। तो यहाँ पर देखिए जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये इसका पैकिंग यहाँ से नहीं फटा है। तो आप देख सकते हैं इसका पैकिंग बिल्कुल साबुत है, इसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है और ये यहाँ से नहीं फटा है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से इसके पैकिंग को बचा सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास ये 10 mm की गोटी होती है इससे जो है यहाँ पर 10 mm के बोल्टों को आपने यहाँ से जो है खोल लेना है, जो यहाँ पर ये बैलेंसर के ऊपर एक प्लेट लगी होती है। अब इसकी प्लेट को निकालने के बाद आपने जो है यहाँ पर जो इसके पीछे इस बैलेंसर का एक नट लगा होता है इसको आपने यहाँ से खोल देना है। देखिए इसके लिए जो है हमें एक पुलर की जरूरत पड़ती है, तो लेकिन बहुत सारे मैकेनिक भाई क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको जो है पहले ही किसी छैनी के द्वारा इसको खोला भी गया है और इसको टाइट भी किया गया है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, आपके पास जो है तकरीबन सभी तरह के पुलर होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों काम जो है हमें सारी उम्र करना है और बिना पुलर के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमारे पास पर्याप्त अपने औजार होने चाहिए। तो यहाँ पर इसके नट को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और इसके बैलेंसर को बाहर निकाल देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कितनी गंदगी इसमें जम चुकी है, तकरीबन जो बंदे यहाँ पर जो है बहुत लंबे समय तक अपनी बाइक की सर्विस नहीं कराते हैं तो जो ऑयल होता है वो जमने लगता है और वो ग्रीस बनाने लगता है, तो वो इसके अंदर जम जाता है। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए जब हमारे पास ऐसी बाइक आती है जिसकी क्लच प्लेट बिल्कुल जल जाती है, तो यहाँ से देखिए जब मैं इसके नट को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ से ये घूम रही है, तो ऐसे में आप यहाँ पर क्या करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज आपके लिए मैं एक इसमें बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए जब हम बार बार इसको ट्राई करते हैं तो यहाँ से ये जो प्लेट है ये जो इसके हब सेंटर होते हैं ये जो है इसके साथ घूमते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लच प्लेट बिल्कुल जल चुकी है। तो आपने यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो इसका ये बैरिंग लगा होता है इसकी लिफ्टर प्लेट में आपने जो है इसको यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको आप निकालेंगे तो इसके अंदर आपको जो है ये इनपुट शाफ्ट में जो नट लगा होता है इसके हब सेंटर को रोकने के लिए उसको जो है आपने जो किसी पुलर से जो है रोक लेना है जो यहाँ पर इसके अंदर आसानी से चला जाए। तो यहाँ पर देखिए जो ये मेरे पास पल्सर बाइक का पुलर है तो इसके द्वारा मैं जो हूँ इसकी इनपुट शाफ्ट को यहाँ से रोक लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कोई यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास पुलर है तो इसके द्वारा हम यहां से जो है इसको रोक लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा, तो इससे होगा क्या भाई, जो हमारे इनपुट शाफ्ट है वो इसके साथ ही घूमती है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आपके सामने ही इस काम को करके दिखा रहा हूं। तो देखिए मैंने यहां पर जो है पुलर के द्वारा इसको रोक लिया और देखिए अब ये जो है अब हमने इसके 10 mm के जो बोल्ट होते हैं उनको यहाँ से कितनी आसानी से खोल दिया, देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपके बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी मेरे पास कोई भी ऐसी बाइक आ जाती है, मान लो जिसकी क्लच प्लेट बिल्कुल जल जाती है और जब हम उसके बोल्ट्स को यहाँ से खोलते हैं तो वो ऐसे घूमती रहती है, तो इस प्रकार से मैं जो हूँ दोस्तों उसके अंदर ये पुलर लगाकर
इसकी इनपुट शाफ्ट को रोक देता हूँ और इनके बोल्टों को आसानी से खोल देता हूँ। दोस्तों मुझे पता है कि 95% जो है मैकेनिकों को इसके बारे में ये जानकारी नहीं है, तो अगर आपको दोस्तों इसके बारे में जानकारी है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, और अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसके लिए आपका एक लाइक तो जरूर बनना चाहिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर दोस्तों आपको ये इसमें छोटी सी भी अच्छी जानकारी लगी होगी। तो इसके बाद आपने जो है यहाँ पर इसके स्प्रिंग को बाहर निकाल लेना है, और जो यहाँ पर ये नट लगा होता है इसको भी आपने जो है एक बोल्ट के द्वारा खोल लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये नट जो लगे हैं ये किसी मैकेनिक ने जो है उनको छेनी से ओपन किया हुआ है। तो चलिए मैं इसके नट को भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो ये इसके अंदर हब सेंटर है ये कई बार इनके टाइट निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है तकरीबन सुपर स्प्लेंडर या ग्लैमर के जो होते हैं ये इसी तरीके से थोड़े टाइट निकलते हैं। तो आपने यहाँ पर जो आपके पास 8 mm के बोल्ट होते हैं इनको लगाकर इसको बाहर निकाल लेना है। देखिए इसके पीछे जो है एक आपको मोटी वार्सल देखने को मिलेगी, ठीक है। तकरीबन ये बहुत सारी बाइकों में ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो इसकी क्लच पेटे हैं मैं आपको इनको भी दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो क्लच पेटे हैं ये बिल्कुल जल चुकी है, तो इनसे जो है हालांकि काफ़ी बदबू भी आ रही है। तो देखिए जो क्लच पेटे हैं आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं, ये जो है यहाँ से बिल्कुल जल चुकी है। और यहाँ पर जो इसके अब हब सेंटर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी यहाँ से कुछ कट चुके हैं। दोस्तों जो कस्टमर है वो इतने इसके ऊपर पैसे नहीं खर्च सकता कि इसके अंदर ये हब और सेंटर भी नहीं डलवा ले। तो क्लच पिल्ट हालांकि इसके अंदर हम जेनवन डालेंगे, तो सभी का तो भाई इतना बजट नहीं होता है कि जब बाइक खुल जाती है तो कई बार वहाँ पर जो है खर्चा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो इसके अबोर सेंटर है इनको हमने रिपेयर करवाना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इनको अपने आप ही रिपेयर करूँगा, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाऊँगा किस प्रकार से हम इनको रिपेयर अपने आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके अबोर सेंटर को अपने आप किस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद मैं चलिए दोस्तों जल्दी से इसके अबोर सेंटर को रिपेयर करवा लेता हूँ, और इसके बाद आपको दिखाऊँगा किस प्रकार से हम इसकी क्लच पेट को यहाँ पर फिट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है इसके हब और सेंटर को अपने आप रिपेयर कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर जो है ये हमारे बिल्कुल ओके हो चुके हैं। दोस्तों आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना, आपको नेक्स्ट वीडियो में ये पता लग जाएगा कि अपने आप हम इनको किस प्रकार से रिपेयर करते हैं। तो ये हमारी जेनवन क्लच प्लेट है, आप देख सकते हैं, जिसकी प्राइस लिस्ट है 630 रुपये हीरो जेनवन की। तो यहाँ पर इसके अंदर हम अब ये हीरो की जेनवन क्लच प्लेट डालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो इसका ये हाउसिंग होता है यहाँ से कुछ कट जाता है, देखिए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा बहुत जो है रेती से घिसा लें, मैंने जो है इसको पहले ही यहाँ से थोड़ा घिसा लिया है। और जो इसके यहाँ पर हब और सेंटर है इनको मैंने रिपेयर कर लिया, आप देख सकते हैं, आपको ये रिपेयर हुए दिख रहे होंगे, ठीक है यहाँ पर। तो इसके बाद दोस्तों जो हमारा ये इसके बाकी पार्ट्स हैं इनको हमने जल्दी से यहाँ पर साफ़ कर लिया था। तो आप दोस्तों जब भी किसी बाइक के अंदर क्लच प्लेट वगैरह डालें तो उसको जो है अच्छे से साफ़ करके ही डालें। तो यहाँ पर क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी ग्रीस बन चुका था तो उनको हमने साफ़ करना था। तो ये इसके अब सेंटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, तो इसका इंतजार कर लेना। तो जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, जिससे आने वाली अगली वीडियो की आपको जानकारी मिल जाए। तो चलिए अब हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमने इसकी क्लच प्लेट की फिटिंग यहाँ पर करनी है। तो ये हमारे यहाँ पर जो है हीरो जेन्युइन क्लच प्लेट हैं ग्लैमर बाइक की और सुपर स्प्लेंडर की, दोस्तों इनकी सेम होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनको चलिए जल्दी से हम यहाँ पर फिट करते हैं, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमने जो है इसके क्लच प्लेटों को यहाँ पर फिट करना है। तो सबसे पहले आपने जो है इसके अंदर ये क्लच हाउसिंग को इसमें डाल लेना है, जो यहाँ पर ये बुश वगैरह हैं उनको आप पहले ही चेक कर लें। तो इसके आगे आपको जो है एक यहाँ पर वार्सल रख लेनी है, जो मोटी यहाँ पर इसके आगे वार्सल रखी होती है। इसके बाद आपने जो है इसकी क्लच प्लेटों को इसमें बैठा लेना है। सबसे पहले आपने जो है ये क्लच प्लेट बैठानी है, और जो प्रेशर प्लेट तो आप इसी तरीके से इसमें रखते जाएँ, सबसे पहले क्लच प्लेट और ये प्रेशर प्लेट, तो इनको आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके सेंटर को इसके ऊपर लगाकर इसको फिट कर दें। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसको इसके अंदर डालें तो यहाँ पर कई बार जो है इनको थोड़ा पकड़ने में दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पर जो है 2 8 mm के बोल्ट लगा लें, ठीक है यहाँ पर, ताकि यहाँ पर जो है इसकी सपोर्ट को हम अच्छे से पकड़ सकें और इसके अंदर इसमें डाल सकें। तो यहाँ पर आपने जो है इसके अंदर इसके हब और सेंटर को विद क्लच प्लेट के साथ इसमें डाल देना है, और अब आपने एक यहाँ पर वार्सल रख लेनी है और इसके नट को यहाँ पर लगाकर इसको टाइट कर देना है पुलर के द्वारा। इसके बाद आपने यहाँ पर जो है 6 स्प्रिंग रख लेने हैं, और जो इसकी लिफ्ट प्लेट होती है उसके अंदर आपने जो है 3 10 mm के बोल्ट को लगाकर उनको टाइट कर देना है, और जो इसका ये बैरिंग होता है उसको भी इसमें लगा देना है। अब इसके बाद आपने इसके बैलेंसर को लेना है और इसको भी यहाँ पर आपने फिट करके इस तरीके से इसमें डाल देना है, और जो इसकी वार्सल और नट होता है उनको लगाकर आपने जो है इनको टाइट कर देना है। याद रखिए दोस्तों, जो आपका बैलेंसर होता है इसके अंदर ये ग्रीस जमा हो जाता है, इनको आपने जो है अच्छे से यहाँ पर साफ़ करके ही इसको लगाना है, क्योंकि यहाँ से जो है इसके अंदर
जो है ऑयल जाता है और ये यहाँ से पास होकर आगे क्रैंक पर चला जाता है। तो आप इसके वार्सल को लगाकर इसके नट को यहाँ पर पुलर के द्वारा टाइट कर लें। अब इसके बाद जो यहाँ की ये प्लेट होती है इसको लगाकर आपने इसके 10 mm के तीनों बोल्टों को यहाँ पर टाइट कर देना है। अब यहाँ पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिए, आपने जो है इस बैरिंग को भी जरूर यहाँ पर चेक कर लेना है क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंसर में लगा होता है, ठीक है। आप इसके शीशे को भी यहाँ से साफ़ कर लें। और यहाँ पर इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बाइक के लिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब हम इसके क्लच कवर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो इसमें एक जाली लगी होती है, तो आप यहाँ पर जो है इसको यहाँ से इस तरीके से निकालें और उसको आपने जो है साफ़ कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो हूँ इसको निकाल कर यहाँ पर जो है इसको साफ़ कर लिया है और इसमें मैं यहाँ पर इसको यहीं से ही डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पैकिंग नहीं फटेगा, आप घबराना नहीं। तो आप यहाँ पर ये इस तरीके से इसकी जाली को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इतनी फिटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद आपने जो है इसके लीवर को पीछे की तरफ पकड़ के रखना है और इसके कवर को लगाकर आपने जो है इसमें जो 8 mm के बोल्ट होते हैं उनको लगाकर उनको टाइट कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है इसके अंदर ये कंप्लीट फिटिंग कर दी है और उसके बाद हम इसकी वॉशिंग कर देंगे। तो दोस्तों आपने जो है इस तरीके से इसके अंदर ये क्लच प्लेट वगैरह डाल लेनी है, तो जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया। तो चलिए मैं आपको अब इसकी पिकअप चेक कराता हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारे पास ये ग्लैमर बाइक थी इसके अंदर क्लच प्लेट की प्रॉब्लम थी। जब हम इसको स्टार्ट कर रहे थे और गियर में डाल रहे थे तो ये जो है थोड़ा सा भी आगे नहीं चल रही थी। तो मैंने जो है आपको इसके अंदर ये क्लच प्लेट डाल के दिखाया था किस तरीके से हम जो है इसके अंदर क्लच प्लेट डालते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कितनी पिकअप बनी है, क्या इसके अंदर कुछ पिकअप बनी है या नहीं। देखा गाइस आपने, इसके अंदर क्या भी जबरदस्त पिकअप बन चुकी है। अब ये जो है एकदम से इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है कि जैसे कि हमारी कोई नई बाइक हो, क्योंकि जो आपको पता है कि जो हमारे पास सुपर स्प्लेंडर ग्लैमर बाइक होती है उसकी देखो कितनी होती है। तो वहां पर जो है उसके अंदर ये क्लच प्लेट की प्रॉब्लम थी जो आज मैंने आपको इसमें दिखा दी। तो इस प्रकार से हम जो है इसके अंदर क्लच प्लेट डालते हैं। तो काम जो भी हो दोस्तों, तो उसको आपने जो है सफाई से ही करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। हम इसी तरह से आपके लिए नॉर्थपुर वाले पैकेज लेकर आते रहेंगे और उनमें आपको जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी ने इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आगे देखिए, आप सब सुबह रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।